जरा सोचो, तुम बिना खाने और पानी के एक अनजान बर्फीले पहाड़ पर फंस जाओ। कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972 को, जब यूरोग्वे की रग्बी टीम एक खास मैच के लिए एरोप्लेन से चिल्ले जा रही थी। उनमें से ज्यादातर लोग पहली बार देश से बाहर जा रहे थे, इसीलिए वो काफी खुश थे। कुछ के तो परिवार वाले भी उनके साथ आए थे। उड़ान भरने के कुछ समय बाद, जब वो चिल्ले और अर्जेंटीना के बीच मौजूद अंडुस पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहे थे, तो अचानक से उनका प्लेन हिलने लगा। जल्द ही उस प्लेन की टर्बुलेंस बढ़ गई और उनका प्लेन नीचे जाने लगा। फिर भी पायलट्स ने उस खतरनाक तूफान से प्लेन को निकालने की कोशिश की। जल्द ही प्लेन के अंदर की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगी, पर तभी अचानक प्लेन एक पहाड़ से टकरा कर दो हिस्सों में टूट गया। एक आदमी तो प्लेन के पिछले हिस्से के साथ बाहर ही उड़ गया। कुछ ही पलों में प्लेन का सामने का हिस्सा भी बर्फ में जा टकराया। इससे प्लेन के अंदर के सभी लोग जोरदार तरीके से आगे जाकर टकराए, जिससे कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ समय बाद जो लोग बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने बाकी प्लेन के अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। उनके चारों ओर खून ही खून था, पर फिर भी सबने एक दूसरे को शांत करने की कोशिश की। उनमें से दो लड़के पायलट के पास गए, पर उसने भी जल्द ही दम तोड़ दिया। जल्द ही रात भी हो गई और तापमान तेजी से गिरने लगा, इसीलिए वो सब बैग्स और लाशों से प्लेन का छेद बंद करके अंदर छुप गए। इस हादसे से कुछ लोग बहुत गहरे सदमे में थे, तो बाकियों ने उन्हें जैसे तैसे सहारा दिया। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि और 3-4 लोग ठंड की वजह से मर गए थे। अब तूफान थम चुका था, इसीलिए वो बाहर निकले, पर वहां बर्फ की चादर के सिवाय कुछ नहीं था। फिर उन्होंने जिंदा रहने के लिए सारा प्लेन खाली करके सबके सोने की जगह बनाई और फिर जख्मी लोगों को धूप में लिटा दिया। फिर उन्होंने सारे बैग्स की छानबीन करके खाना और जरूरी चीजें इकट्ठा की। इसके बाद सारी लाशों को बाहर इकट्ठा करके उन्हें बर्फ से ढक दिया गया ताकि वो सड़े ना। पहले ही दिन उनमें से 11 लोग मारे जा चुके थे और एक लड़का तो बेचारा हवा में ही उड़ गया था। सब कुछ संभाल कर वो कुछ खाने बैठे, पर वो जानते थे कि उनके पास का मौजूदा खाना उन्हें न जाने कितने दिनों तक चलाना होगा। तभी अचानक उनके ऊपर से एक प्लेन उड़ा तो वो सब मदद के लिए चिल्लाने लगे, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, दूसरी रात को वो लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनकर प्लेन के छेद को बैग से ढककर सो गए। फिर तीसरे दिन आखिरकार नंडो नाम के एक लड़के को होश आ गया और बाकियों ने उसे इस हादसे के बारे में बताया। उसकी हालत बेहद खराब थी, पर फिर भी वो रेंगता हुआ अपनी बहन के पास गया। जब नंडो ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो बताया गया कि उनकी तो मौत हो चुकी है। बाद में उन्होंने बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया, साथ ही उन्होंने जमीन पर बैग से एक्स का निशान बना दिया ताकि जो भी उसे देखे समझ जाए कि उन्हें मदद की जरूरत है। बाद में एक और प्लेन आया और उन्होंने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन फिर से एक प्लेन आया, पर वो काफी दूर था, जिसका मतलब ये था कि सरकार को अभी पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, और इसीलिए वो उन्हें अलग अलग इलाकों में ढूंढ रही हैं। फिर उन्हें याद आया कि प्लेन के पिछले हिस्से के अंदर कुछ बैटरीज थी, शायद उनकी मदद से प्लेन का रेडियो सिस्टम चलाया जा सके, इसीलिए वो सब उस पिछले हिस्से को ढूंढना चाहते थे। जब वो थोड़ी दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्रेनेश वाली जगह बर्फ की वजह से दिख ही नहीं रही थी, और इसीलिए शायद उन्हें बचाने के लिए कोई उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी वहां बर्फ खिसकने लगी और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। इसी तरह दिन बीते और एक हफ्ते बाद सारा खाना खत्म हो गया। उस इलाके में कोई जानवर या पौधे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पत्थर पर जमी हुई काई को खाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वाद जहर से कम नहीं था। तब नंडो ने भूख की वजह से कहा कि अगर उसे लाशों का मांस खाना पड़े तो वो खा लेगा, और इस पर सभी लोगों के बीच बहस छिड़ गई। समय के साथ उनकी भूख इतनी बढ़ गई कि वो जूते का लेदर और सिगरेट्स तक खाने लगे। फिर 8वें दिन नंडो की बहन की मौत हो गई, और तभी कोको ने अपने माँ बाप के लिए खत लिखा। अगले कुछ दिनों तक वहाँ कई बर्फीले तूफान आए, मगर उन्होंने प्लेन में छिपकर अपनी जान बचाई। 21वें दिन तक कुछ लोग तो भूख के मारे पागल से होने लगे, तो आखिरकार बाकियों ने उन्हें लाशों का मांस खाने की इजाजत दे ही दी। फिर वो बाहर गए और कांच से मांस काटकर खाने लगे। ये देखकर कुछ और लोगों ने भी अपना मन बदल लिया। आखिरकार उनमें से सिर्फ 5 लोग ही ऐसे बचे जिन्होंने नरभक्षी बनने से बढ़िया मरना सही समझा। फिर अगले दिन उन्होंने लाशें दूर ले जाकर काटने शुरू की, जिससे बाकी को तकलीफ ना हो। कुछ समय बाद उन्हें बर्फ में एक सूटकेस मिला जिसमें एक रेडियो निकला। फिर उन्होंने जुगाड़ से एंटीना बनाया और रेडियो सुना,
तो पता चला कि सरकार ने उन्हें ढूंढने के लिए 66 टाइम्स हवाई जहाज को भेजा था, पर सभी उन्हें ढूंढने में नाकामयाब रहे। इसीलिए सरकार ने अब उन सबको मरा हुआ घोषित कर दिया था। ये सुनकर उन सब की हिम्मत टूट गई और उन बाकी बचे हुए 4 लोगों को भी मांस खाना पड़ा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उन्हें बचाने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। इसके बाद 3 लड़के फिर से प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने के लिए निकले। पहले तो उन्हें प्लेन का काफी मलबा और 5 लाशें मिली, जिनमें वो लड़का भी था जो प्लेन क्रैश होते समय हवा में उड़ गया था। फिर वो आगे बढ़े, लेकिन बर्फ की फिसलन और बर्फीली हवाओं ने उनका सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। फिर रात को उन्होंने सोने की कोशिश की, मगर चारों ओर तूफान था। अगली सुबह जब वो उठे तो जिंदा थे, लेकिन उनमें से एक को दिखना बंद हो गया और बाकी 2 काफी कमजोर हो गए थे। इसीलिए वो लोग प्लेन के मलबे में बैठकर नीचे आ गए। ऐसा खतरनाक मंजर देखकर उस आखिरी आदमी ने भी अपना मन बदल के इंसानी मांस खा लिया और रोते रोते वो सो गया। अब 17वें दिन तूफान को चलते 5 दिन हो गए थे। वो सब प्लेन में बैठकर एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे। तभी अचानक से जोरदार तूफान ने जहाज को बर्फ से ढक दिया। ज्यादातर लोग बर्फ में दब गए और 3-4 जो ऊपर थे वो भी काफी घबरा गए। तभी एक लड़के ने बाहर जाकर देखा कि तूफान बढ़ता ही जा रहा था। फिर उन्होंने पूरी ताकत से बर्फ खोदकर अपने दबे हुए साथियों को बाहर निकाला। उस वक्त उन्हें बर्फ को पिघलाने के लिए उसके ऊपर पेशाब भी करना पड़ा। बहुत संघर्ष के बाद आखिरकार सब बाहर आ गए, लेकिन एक औरत इतनी नीचे दबी हुई थी कि वो बेचारी वहीं मर गई। तभी उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी और वो समझ गए कि तूफान का जोरदार झटका फिर से आने वाला है। भयंकर तूफान की वजह से एक बार फिर से कुछ लोग बर्फ के नीचे दबकर मर गए। बचे हुए लोगों ने सांस लेने के लिए फिर से बर्फ को खोदा, पर उनकी हिम्मत अब टूट रही थी। बाद में उन्होंने हौसला करके 8 लाशों को इकट्ठा किया। 18वें दिन पर उन्हें दबे हुए 2 दिन हो चुके थे। अब उनके पास बिल्कुल खाना नहीं बचा था, तो वह समझ गए कि उन्हें क्या खाना पड़ेगा। लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि लाशों के अंदर उनके दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार थे। इससे नुमा नाम के एक लड़के को बहुत गुस्सा आया और वो प्लेन की खिड़कियां तोड़ने लगा। जिससे हुआ तो कुछ नहीं, बस कांच उसकी टांग में घुस गया, लेकिन वो रुका नहीं और लगातार बर्फ खोदता रहा। आखिरकार 20वें दिन उन्होंने एक छेद बना लिया, जिससे बचे हुए लोग बाहर आ गए। कुछ पलों के लिए उन्होंने जिंदा होने की खुशी मनाई और फिर प्लेन से बर्फ को हटाने में जुट गए। तभी नुमा ने देखा कि उसकी टांग में घाव का कट था, पर बर्फ ने उसके पैर को सेंस लेस कर दिया था। धीरे धीरे मौसम बदला और उन्होंने प्लेन को बर्फ से बाहर निकाल ही लिया। अब उन्होंने फिर से कुछ लोगों को हेल्प लाने के लिए भेजने का सोचा, लेकिन अब भी पहाड़ की उन बर्फीली रातों का सामना करने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उन्होंने कुछ दिन तक मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। फिर 34वें दिन सूरज निकला, लेकिन जो लोग पहली बार पहाड़ पर गए थे वो अब तक बीमार थे। कोको के फेफड़ों में तो पानी भर गया था, इसलिए उसे CPR दिया गया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ दिनों बाद वो भी चल बसा। बाद में उन सब ने मिलकर उसकी लाश बाहर निकाल ली और उसका लिखा हुआ लेटर संभाल कर रखा। 36वें दिन मौसम खुल गया, इसलिए रॉबर्टो, टिंटिन और नुमा काफी सारे कपड़े पहनकर हेल्प की खोज में फिर से निकल पड़े। तभी अचानक से नुमा बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी बाकियों ने देखा कि उसकी टांग का जख्म अब काफी गहरा हो गया था। उन्होंने नुमा को वापस ले जाने का फैसला किया, मगर नुमा ने कहा कि मैं खुद लौट जाऊंगा, तुम आगे बढ़ते रहो। नुमा बड़ी मुश्किल से वापस पहुंचा और वहां जाते जाते वह इतना थक चुका था कि वहां पहुंचते ही बेहोश हो गया। जल्द ही मदद ढूंढने निकले 3 लोग एक बड़ी खबर के साथ लौटे। उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल गया था और अपने बाकी साथियों की मदद से वह बहुत सारे साफ कपड़े, रम की बॉटल्स, सिगरेट और चॉकलेट्स भी ले आए। उन्हें वहां कुछ बैटरीज भी मिली थी, जिसे प्लेन के रेडियो में डालकर उन्होंने कुछ सिग्नल भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे कुछ और दिन बीते, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला, क्योंकि बाहर की कड़ाके की ठंड से उनकी हड्डियों तक कांप गई थी। नुमा का जख्म भी उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। उनके लिए प्लेन में मिला खाना काफी नहीं था, इसीलिए वो लाशों की हड्डियों पर बाकी रहे मांस को खाने लगे। अब तक उन बेचारों को इसकी आदत हो गई थी। नुमा जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए उसने खाना बंद कर दिया ताकि बाकी सब के लिए ज्यादा खाना बच सके। उन्होंने फिर से रेडियो जोड़ने की कोशिश की, मगर तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर उन्होंने गुस्से में प्लेन पर सभी जिंदा लोगों का नाम लिखा और प्लेन के नए हिस्से में चीजें ढूंढने निकले। इस बार उन्हें वाटरप्रूफ कपड़ा मिला,
जिसे जोड़कर उन्होंने स्लीपिंग बैग्स बनाए। फिर उन्होंने छोटे रेडियो पर खबर सुनी कि क्रियंश के बाद 58 दिन बीत जाने के बाद भी अब एयरफोर्स उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी प्लेन भेज रही है। तब कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें यही इंतजार करना चाहिए और कुछ ने कहा कि भाई लोग यहाँ पे घंटा कुछ नहीं दिखने वाला किसी को, तो अब उन्हें हेल्प मांगने के लिए ऊपर की तरफ जाना ही होगा। खैर, बाद में उन्होंने पक्षियों की आवाजें निकालकर मन बहलाया और एक कैमरे से तस्वीरें भी खींची। उस रात नूमा ने गंभीर आवाज में कहा कि देखो दोस्तों, जब मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। अगर तुम सब में से एक भी जिंदा बच गया तो मेरी मौत जाया नहीं जाएगी। नूमा के हाथ में कागज था जिस पर लिखा था कि दोस्तों के लिए जान कुर्बान करके वो अमर हो गया है। उसके शब्द सुनकर रोबोटो, नंडो और टिनटिन तीनों जोश से भर गए और वो सब फिर से हेल्प ढूंढने के लिए नए स्लीपिंग बैग्स और काफी सारा मांस लेकर वो चल पड़े। इस बार उन्होंने किसी भी तरह बर्फीले पहाड़ों को पार करके चिल्ले तक पहुंचने के बारे में सोच लिया था। कुछ समय बाद रात हो गई और काफी तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए वो बर्फ में गड्ढा खोदकर स्लीपिंग बैग्स में सो गए। आखिरकार सुबह उठकर वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही गए, लेकिन ये क्या, उन्होंने देखा कि उनके सामने अभी भी सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता बाकी था। फिर एक बार को तो उन्होंने वापस लौटने के बारे में सोचा, लेकिन अब उनके पास इतना खाना नहीं था। लेकिन फिर टिनटिन ने वापस जाने का फैसला किया ताकि रॉबर्ट और नंडो आगे बढ़ सके, क्योंकि अगर सिर्फ दो लोग खाना खाते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। उनका सफर मुश्किलों से भरा हुआ था, पर काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो उस जगह आ गए जहां बर्फ कम थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई क्योंकि जल्द ही उन्हें साफ पानी की नदी मिल गई। तभी अचानक उन्हें घोड़े पर एक आदमी दिखा तो वो खुशी से झूमने लगे। वो आदमी उनकी बात को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने उनकी तरफ एक पेंसिल और कागज फेंका और फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखकर उससे मदद मांगी। वो आदमी उस कागज को लेकर शहर में अफसरों के पास पहुंचा और बहुत जल्द एयर रेस्क्यू सर्विस को खबर दी गई। फिर वो आदमी रॉबर्टो और नंडो के पास वापस आया और उन्हें अपने घर ले जाकर उसने उन्हें भर पेट खाना खिलाया। कुछ ही घंटों में वो इलाका रिपोर्टर से भर गया, जिन्होंने उनसे तरह तरह के सवाल पूछे। जल्द ही पहाड़ पर फंसे हुए लोगों ने भी रेडियो पर यह खबर सुनी। जब उन्हें पता चला कि उनके लिए हेल्प भेजी जा रही है तो उन सब ने हाथ मुंह धोए और अपना सामान बांध लिया। आखिरकार हेलीकॉप्टर आए और वो रॉबर्ट और नंडो को साथ लेकर 71वें दिन फंसे हुए लोगों तक पहुंच ही गए। हेलीकॉप्टर को देखकर सभी पागलों की तरह खुशी से झूम उठे। बचे हुए सभी 16 लोगों को रेस्क्यू करके शहर वापस लाया गया, जहां उनके परिवार वाले बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां हजारों लोगों ने उनका हीरोज की तरह स्वागत किया। डॉक्टर्स ने देखा कि सबके शरीर सूख कर कांटा हो गए थे। अंत में सबने नहाने में एक दूसरे की सहायता की और सबको अलग अलग बेड दिए गए। लेकिन उस रात भी वो एक दूसरे से अलग नहीं सो सके, क्योंकि उस घटना के बाद वो सब अभी तक सदमे में थे। ये कहानी इंसानी हौसले की और जिंदा रहने की जिद की अनोखी और सच्ची घटना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।